ये आज हम हैं राजगीर की यात्रा पर, और राजगीर की यात्रा के दरमियान में हम आपको दिखलाते हैं आज स्वर्ण भंडार। जी हाँ, राजगीर का एक ऐसा स्थान जहाँ रत्नों का खजाना छुपा है। तो आइए चलते हैं स्वर्ण भंडार और देखते हैं वहाँ के रहस्य, और जानते हैं वो कैसा है और क्या राज है उसका। तो आइए राज आज उसका खोलते हैं, राजगीर के स्वर्ण भंडार। जू सफारी राजगीर, रास्ते में ये पड़ता है। यह है जू सफारी राजगीर और ये इसका जाने का रास्ता है। चलिए अब आगे चलते हैं। राजगीर का जो रास्ता है वह बहुत ही बिजी हो गया है, गाड़ियों का लगातार आना जाना रहता है, इसलिए सावधानी से चलना होता है। ये कितना खूबसूरत ये फूल है, और ये है जयप्रकाश उद्यान। ये रास्ता है जो जाता है कि खूबसूरती देखिए वन्य प्राणियों का, कितना सारा आपको बंदर नजर आएगा। भी देखेंगे बंदर बहुत बड़े पैमाने पर राजगीर में आपको मिलेगा। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं स्वर्ण भंडार के रास्ते, हम लोग आ गए हैं और यहां से कुछ ही देर में हम लोग स्वर्ण भंडार पहुंचेंगे। चलिए अब हम लोग पहुंच गए स्वर्ण भंडार, जहां अब गाड़ी को हम लोग पार करेंगे, उसके बाद देखते हैं यहां क्या दृश्य, यहां का नज़ारा और यहां का जानते हैं रहस्य। यह है राजगीर का स्वर्ण भंडार जहां हम पहुंचे हैं, और स्वर्ण भंडार के अंदर एंट्रेंस से पहले हम देखते हैं इसके गेट पर आगे का क्या है। और देखिए ये चक्र है बना हुआ, और भी बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो जिसके रहस्य को हम आदमी को जानना चाहिए। छोटा सा बंदर का क्यूट है, क्यूट है। ये देखिए बहुत सा प्यारा सा, ये खूबसूरती है वन्य जीवी का। और ये हमारा गौरव का क्षण है खास। हम देखिए लोग आते हैं जाते हैं घूमते हैं, और है भी बहुत सुंदर। और यहाँ पर घूमने टहलने का और इतिहास को झांकने का, समझने का, परखने का ये बहुत ही बेहतरीन केंद्र। देखिए कितना खूबसूरत है ये। कितना खूबसूरत है, हरे भरे पेड़ पौधे, झरना, मैदान। वहाँ पर कॉर्नर में एक बहुत खूबसूरत कुआँ भी है, और देखिए इसका देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। बहुत सुंदर देखिए कितना खूबसूरत है, इसे कितना बेहतरीन तरीके से इसे तराशा गया है, एकदम चिकना है। लो एकदम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत फर्श देखिए कितना चिकना है, कितना स्मूथ है, एक ठोक कहीं क्रोच नहीं है, इसमें कहीं क्रोच नहीं, बहुत सुंदर है ये। और ये भारत का ये वैभव है, बिहार का ये विरासत है, जिसे हम लोग को सूझना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए। अभी आप देखे स्वर्ण भंडार, और निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छा लगा होगा। और मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि क्या कैसे
कब इसमें स्वर्ण रखा गया, रखने के पीछे क्या कारण था। तो ये अपना देश का ये इतिहास है, ये देश का धरोहर है, इसे हर आदमी को जानना चाहिए, परखना चाहिए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, राजगीर का जो मेन रोड है वहाँ से बिल्कुल पास में है ये, जहाँ से आप इस जगह आप आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये है, और यहाँ पर ये फिर पार्क है, और देखिए इसमें मंदिर है उधर, और उसके बाद फिर इधर, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, अच्छा है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह का वीडियो में बने रही, और बहुत सारा चीज़ का जानकारी, जहाँ से हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और ये जानते हैं कि हमारे देश में का इतिहास क्या है। और ये सब जो जगह है, यहाँ पर आकर के हम अपने बच्चों को बताते हैं, ये सिखाते हैं कि ये जो हमारा जगह है ये कैसा है, और कब ये बना, इसको अंदर सोना रखने का राज क्या था, क्यों, किस कारण से रखा गया। और आसपास इस पूरे दृश्य को खूबसूरत बनाने में बंदरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो बच्चे आते हैं वो बंदरों से प्रभावित होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। इसका बाग है, बगीचा है, फूलों का क्यारियों में फूल है इसमें, और इधर देखिए बंदर है। इधर अब इसका मेन गेट है, यहाँ से अगर नज़र दौड़ाइए, देखिए खूबसूरत स्वर्ण भंडार है। देखा राजगीर का स्वर्ण भंडार, निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये स्वर्ण भंडार जो था वो रत्नों का खजाना छिपा हुआ था, और इसी गुफा के अंदर में वो राज छुपा है, और जो राज छुपाने का जो मेन मार्ग है वो उसमें लिपिबद्ध किया हुआ है। लेकिन कुसंजोग है कि उसके अभी तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया, नहीं पढ़ पाने का मेन रीज़न ये रहा कि लोग अभी तक उस रहस्य को जान नहीं पाए। यह ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है, कहीं कहीं संख लिपि का भी लिखावट है, लोग इस लिपि को नहीं पढ़ पाए, और परिणाम ये हुआ कि राज बन गया। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, अगले वीडियो तक आप हमें अनुमति दीजिए, आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।